बहुत स्वागत है आपका खेल अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। कल बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो मैच हुआ, आप सब ने देखा होगा उसको, उसका क्या नतीजा निकला आपने ये भी देखा होगा। कहते हैं ना कि जैसे जब बारिश होती है, जो कच्चे मकान होते हैं वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं, यानी कि नस नाबूद हो जाते हैं। कल कुछ इसी तरीके से टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप नजर आई बांग्लादेश के खिलाफ। आप सोचिए जरा, 5 अक्टूबर से टीम इंडिया का वनडे वर्ल्ड कप है, वो शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर आपका मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, ये सब कुछ फ्लॉप रहा तो आप क्या कर पाएंगे? वर्ल्ड कप भी आपके घर में है, यानी कि इंडिया उसकी मेजबानी कर रहा है। कल के मैच में जो 5 बड़े कारण रहे, आज उस पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे वो 5 ऐसे कौन से कारण थे जिसके वजह से टीम इंडिया को 6 रनों से हार मिली। फिर हम बात करें चाहे T20 में नंबर 1 के बैट्समैन सूर्य कुमार यादव की, जिस तरीके से उनका वनडे में लगातार फ्लॉप्स हो जा रही है। टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, ये भी एक तरीके से पूरा टाए फुस रहा है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि ना मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन चला ना लोअर ऑर्डर। और बात की जाए अगर रवीन जडेजा की, तो जडेजा तो एक अच्छे ऑलराउंडर रूप में हम लोग देखते हैं, जडेजा एक बढ़िया ऑलराउंडर हैं। जडेजा क्या केवल सिर्फ गेंदबाज बनकर रह जाएंगे या केवल गेंदबाजी करेंगे? चौथा जो बात की जाए, गैर जिम्मेदाराना शॉट। बिल्कुल, अगर आप खेल रहे हैं किसी टीम के खिलाफ तो आपको कम से कम अपने चयन का अच्छे तरीके से उसका परीक्षण करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा, फिर आप जाके शॉट खेल सकते हैं। ऐसे नहीं आपने आया, बैट लगाया, कैच आउट हुए, आप बोल्ड हुए, आप LBW आउट हुए, ऐसे नहीं चलेगा ना। 5वां, नए खिलाड़ियों को मौका मिला लेकिन वो भुना नहीं पाए। अगर वहीं बात की जाए बांग्लादेश की बल्लेबाजों की, तो बांग्लादेश की पुछल्ले बल्लेबाजों से टीम इंडिया को सीखना चाहिए। बिल्कुल, एक समय जब भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर पूरा भरभरा गया, जो नए खिलाड़ी आए वो फुस हो गए, जडेजा गेंदबाज बनकर रह गए। नंबर 1 पे हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव का फ्लॉप वनडे शो। जी हाँ, T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बांग्लादेश के खिलाफ साकिब अल हसन की ऑफ और मिडिल स्टंप पर पिच हुई गेंद को स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे और क्लीन बोल्ड हो गए। सूर्य कुमार यादव को मिस्टर 360 डिग्री भी कहा जाता है। उनकी तुलना तो साउथ अफ्रीका के एवी डिविलियर्स से उनकी तुलना उनसे की गई। सूर्य कुमार को देखकर लग रहा था कि वो गिल के साथ मैच जिता कर आएंगे, पर 26 रन पर ही चलते बने। 33 साल के सूर्या वनडे फॉर्मेट में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने अब तक 27 वनडे मैचों की पारियों में, यानी कि 27 मैच खेले हैं, 27 मैच की 25 पारियों में 24.40 की औसत से केवल 537 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। आप सोच सकते हैं, जो T20 का नंबर 1 बल्लेबाज हो, वो उसका वनडे में इस तरीके का परफॉर्मेंस आखिर कितना शोभा देगा उसको। सूर्या एशिया कप में पहली बार खेल रहे थे, ऐसे में उनके पास ये मौका था कि वह बड़ी पारी खेलें ताकि वर्ल्ड कप में भी वह खेलने की जगह बना सकें, लेकिन सूर्य कुमार इस मौके को भुना नहीं पाए। अब हम बात करेंगे टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर। जी हाँ, इस मैच में टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आया। अक्षर पटेल ने 42 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को सुपर 4 के मैच में जिताने की कोशिश की, लेकिन उनके अलावा सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। हमारे गेंदबाजों ने भी विकेट पर टिक कर खेलने की संघर्षशीलता नहीं दिखाई और सस्ते में आउट हो गए। हम फिर बात करते तीसरे नंबर पर रवीन जडेजा की, जो कि इस समय आप देखेंगे लगातार केवल वो, जिसे लगता है कि उनको टीम में केवल बॉलिंग के लिए रखा गया है या फील्डिंग के लिए रखा गया है। नो डाउट भैया, आप बढ़िया कर रहे हो, फील्डिंग में आप अच्छा कर रहे हो, बॉलिंग में आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको उम्मीद है ना, आपको लगभग 125 करोड़ देशवासी आपके ऊपर निगाह टिकाए हैं कि जडेजा आएंगे, लंबे लंबे शॉट दिखाएंगे, वो जिताएंगे। वर्ल्ड कप 2023 के लिए रवीन जडेजा और हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माने जा रहे हैं। जडेजा मैचों में अपनी गेंदों से धमाल तो कर रहे हैं, लेकिन वह बल्लेबाजी में एशिया कप में कुछ खास नहीं कर पाए। जी हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ 7 रन बनाकर चलते बने। उन्होंने खड़े खड़े मुस्तफिजुर को खेलने की कोशिश की और बोल्ड हो गए। वह जब आउट हुए तब टीम इंडिया का स्कोर 170 था। इस एशिया कप में जडेजा ने पाकिस्तान के खिलाफ पल्लेकेल में रद्द हुए मैच में 14 रन बनाए थे। श्रीलंका के खिलाफ 4 रन पर आउट हो गए। नेपाल के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी नहीं आई। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में फिर वो बल्लेबाजी करने में मौका नहीं मिला। लेकिन बात यहाँ ये उठती ना कि अगर आपको जब मौका मिल रहा है आपको उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए उस मौके को भुनाने की, लेकिन यहाँ हमारे बल्लेबाज आए गए, बस वही है ना कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ। चौथा नंबर जो आता है, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए बल्लेबाजों की। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रवीन जडेजा, इन तीनों से उम्मीद थी कि ये रन बनाएंगे और टिककर खेलेंगे, क्योंकि एक तरफ से शुभमन गिल बांग्लादेश गेंदबाजों का बखिया उधेड़ रहे थे,
लेकिन ये तीनों ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव जैसे आउट हुए, हम आपको बता चुके हैं कि ईशान किशन रिवर्स स्वीप करने के चक्कर में आउट हुए थे। अमूमन ईशान किशन रिवर्स स्वीप कम खेलते हैं, बिल्कुल ईशान किशन को जाना जाता है कि वो लंबे लंबे सिक्स मारते हैं, लंबे लंबे वो गेंद को कभी बाउंड्री पार पहुंचाते हैं, कभी वो शॉर्टेड जो ग्राउंडेड शॉट खेलते हैं। लेकिन ईशान किशन को क्या हो गया, जो बंदा बढ़िया शॉट लगा के बाउंड्री बार बाउंड्री के पार गेंद को पहुंचा रहा है, उसको स्वीप खेलने की क्या जरूरत पड़ गई। उस समय ईशान किशन ने यह शॉट अटेम्प्ट किया जिस पर कई विशेषज्ञों ने भी सवाल उठाए। अब हम बात करते हैं, नए खिलाड़ियों को मौका मिला लेकिन भुना नहीं पाए। बिल्कुल कल टीम इंडिया ने अपने टीम में 5 बदलाव किए। इस मैच में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर। बात करें प्रसिद्ध कृष्णा को मौका भी दिया गया, तिलक वर्मा को वनडे डेब्यू कैप मिली, तिलक वर्मा को नंबर 3 पर खेलने के लिए भेजा गया। आप सबको पता होगा नंबर 3 क्रिकेट में सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है क्योंकि गेंद लगभग पुरानी हो चुकी होती है। आप पिच पर आते हैं उसके पहले आके जो आपके बैट्समैन रहते हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन वो केवल 5 रन बनाकर चलते बने। श्रेयस अय्यर की इंजरी के कारण उनके पास मौका था कि वर्ल्ड कप में टीम में भी वो दावेदारी जता सके, लेकिन तिलक तंजीब हसीन का शिकार हुए। शार्दुल ने 3 विकेट जरूर लिए, इसके लिए उन्हें 10 ओवर में 65 रन देने पड़े। बिल्कुल हम कहते हैं लाल ठाकुर, शार्दुल ठाकुर की गेंद अच्छी चलती है, बैटिंग बढ़िया करते हैं, उन्होंने कई मौके पर टीम इंडिया को जीत भी दिलाई। अब बात करें मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा ने जरूर प्रभावित किया, लेकिन जो भारत के जितने भी क्रिकेट प्रशंसियाँ हैं, जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, उनको ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हुई। क्यों नहीं हजम हुई, आपका कल श्रीलंका के साथ मुकाबला है, श्रीलंका भी अपने आप में एक अच्छी टीम उभर कर आई है। श्रीलंका के जो नए बल्लेबाज उसमें आए हैं, नए गेंदबाज आए हैं, कुछ यंगस्टर आए हैं, उन पर श्रीलंका बखूबी पूरा भरोसा जता रही है और नो डाउट श्रीलंका टीम अच्छा कर रही है। आपने देखा होगा 2022 में किस तरीके से श्रीलंका में जो माहौल था, हर तरीके से बेरोजगारी भुखमरी की कगार पर देश था, लेकिन श्रीलंका की टीम वो मैच जीतती है, एशिया कप 2020 फाइनल जीतती है, फिर से देश में खुशनुमा माहौल बनता है। श्रीलंका टीम में केवल 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि 30+ के हैं, यानी कि मतलब थोड़े उनकी जो एज ज़्यादा है, वहीं बात करें कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 27 साल, यानी कि जब बात की जाती थी श्रीलंकाई टीम की जिस समय सनत जयसूर्या खेलते थे, तिलक रत्न दिलशान खेलते थे या संगकारा खेलते थे, वो टीम अब जो नए खिलाड़ी आए हैं, जो इनके पास खिलाड़ी हैं, उन पे ये भरोसा जता रही है। बांग्लादेश के कुछल्ले बल्लेबाजों से टीम इंडिया को सीखने की जरूरत है। आपको बता दें बांग्लादेश को टीम इंडिया ने शुरुआती झटके दिए जिससे बांग्लादेश का स्कोर 59/4 हो गया। एक समय ऐसा भी लग रहा था अगर 59/4 विकेट हो गए तो नो डाउट टीम इंडिया इनको सस्ते में समेट सकती थी, लेकिन इसके बाद वो सबको याद होगा बांग्लादेश के कप्तान साकिब और तौहीद ने मानो अंगद की तरह अपने पैर जमा दिए हों। अंगद की तरह क्यों, अंगद ने अपने पैर जमाए थे जाके श्रीलंका में ही, और श्रीलंका में भी एशिया कप खेला जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जुझारू पारी खेले पाकिस्तान के भी खिलाफ उन्होंने बढ़िया खेला था। अब फिर टीम इंडिया का स्कोर 160 तक ले गए, दोनों ने जडेजा और अक्षर की पिटाई भी की। बिल्कुल जितनी बढ़िया फिरकी घुमाते थे उतना बढ़िया बैट भी चलता था, उतनी बढ़िया वो ग्राउंडेड शॉट भी खेलते थे, चौके और छक्कों की मानो बरसात हो रही थी, बल्लेबाज लगातार फ्लॉप रहे। वहीं बांग्लादेश के पुछल्ले बल्लेबाजों ने कमाल किया, यानी कि कमाल का प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की ओर से 8वें नंबर पर आकर नसूम अहमद ने 44 रन बनाए और 9वें नंबर पर मेहदी हसन ने 29 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बिल्कुल तंजीब हसन साकिब ने 14 रन बनाए जिसके चलते बांग्लादेश का जो स्कोर था वो 265 तक पहुंच पाया। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है कि अगर हम अपने युवाओं को मौका दे रहे हैं तो युवा जो हमारे बल्लेबाज हैं वो उस मौके को पूरी तरीके से भुना नहीं पा रहे हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।